हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनईएसटी एग्जामिनेशन के बारे में। एनईएसटी 2022 नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ये क्या होता है, एनआईएससीआर क्या है, डीएई सीबीएस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और सिलेबस और इंफॉर्मेशन वाउचर से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ, एनईएसटी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि आपको एडमिशन देता है। अगर आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको एडमिशन दिया जाता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में। आप बीएससी एमएससी जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये बीटेक के लिए नहीं है, बीसीए के लिए नहीं है, या फिर कोई अदर कोर्सेज के लिए नहीं है। यहाँ पर सिंपली आप बीएससी और एमएससी में एडमिशन ले सकते हो। अब दो इंस्टीट्यूट है, एक तो है आपका एनआईएसईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर, दूसरा है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंस, यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। एक तो है भुवनेश्वर में, दूसरा आपका मुंबई में। उसके बारे में समझते हैं। देखो, नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना होगा आपको जो कि आपका होता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, एनईएसटी, जो कि कंपल्सरी एग्जामिनेशन है, सभी बच्चों को देना होगा जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के आप एडमिशन ले सकते हो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में। कौन कौन से सब्जेक्ट से एमएससी कर सकते हो, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट हैं जिसके थ्रू आप एमएससी कर सकते हो। कहाँ पे, एक तो भुवनेश्वर में, दूसरा आपका मुंबई में। अब देखो, ये आपका एनआईएससीआर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर, काफ़ी बड़ा कैंपस है, अच्छा कैंपस है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन कंपटीशन भी टफ होता है। ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का है जो कि एटॉमिक साइंस जो है वो है ये कैंपस। अब देखो, दो कैंपस है, एक तो आपका भुवनेश्वर में, दूसरा डीएई सीबीएस मुंबई में। 5 ईयर प्रोग्राम है और एनईएसटी जब एग्जामिनेशन दे दोगे तो जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा सभी सब्जेक्ट को मिलाकर उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बाद आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। और यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डेट्स मैं आपको बता दूंगा अभी। आप समझते हैं कि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज क्या क्या दी जाती है एन आई एस सी आर और सी ई बी एस। यहाँ पे रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है और जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज है, मॉडर्न कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज है, कंप्यूटर एक्सेलेंस है, एक्सेलेंट लाइब्रेरीज है, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे है, वातावरण काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को यहाँ पे अकोमोडेशन भी दिया जाता है, हॉस्टल भी दिया जाता है कैंपस में, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, जो पढ़ाई के प्रति जो बच्चों की इच्छा है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो जो अपने फील्ड में यानी कि जो उनका स्कोर 100% होता है वही बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आगे मैं बताऊँगा कितना सीट्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है, रिसर्च के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जब आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो एनुअल स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पे आपको 60,000 का एनुअल स्कॉलरशिप भी दिया जाता है जो कि देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। साथ में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है आपको, सभी बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। 20,000 का आपको स्कॉलरशिप मिलता है एनुअल, मतलब हर साल आपको समर इंटर्नशिप के लिए 20,000 रुपये स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप यहाँ पे जब एमएससी कर लोगे तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। तो अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एनआईएससीआर और सीबीएस के जो टॉप परफॉर्मेंस हैं जिनका एग्जामिनेशन में नंबर काफ़ी अच्छा आया है वो डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू के लिए। कहाँ, बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू के लिए, जो कि उनका ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे एलिजिबल होते हैं जो टॉप परफॉर्मर है एनआईएससीआर और सीबीएस में, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। इसके अलावा सीट्स की बात करें, एनआईएससीआर जो भुवनेश्वर में है और सीबीएस जो कि मुंबई में, जनरल कैटेगरी के लिए 101 सीट है और सीबीएस में 23, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है और सीबीएस में 6 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 54 और सी बी एस में 15 और 30 है, एससी के लिए एसटी के लिए 15 है और यहाँ पे 9 और 4 है, और 5% जो सीट है सभी कैटेगरी में
उसको रिजर्व किया गया। इसके अलावा जो ये कैटेगरी है जनरल ओबीसी एनसीएल एससी एसटी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जितना रिजर्वेशन आपको मिलता है उतना तो मिलेगा। तो कल यहाँ देख सकते हो 200 सीट्स आपके भुवनेश्वर में है और सी बीच में 57 सीट है। तो सीट कफ है लेकिन कंपटीशन भी टफ है। तो आपको सिर्फ एक सीट के लिए बस अपना एग्जामिनेशन देना है और प्रिपेयर करना है। तो एक सीट आप अगर ले आते हो तो आपका एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा दो सुपर न्यूमरी सीट रिजर्व किया गया है एनआईएससीआर और सीबीएस में, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के उनके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन के तहत, और जो भी इसके अलावा रिजर्वेशन है वो तो साथ में है ही। अब बात करते हैं इनके रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन आपका 21 फरवरी यानी कि स्टार्ट हो जाएगा 21 फरवरी से, और लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 18 मई। 18 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपका 6 जून को आएगा और जो एग्जामिनेशन है ये आपका 18 जून को एग्जामिनेशन होगा। आंसर की जुलाई में आएगा और जो रिजल्ट है ये 5 जुलाई तक आने की उम्मीद है। इसके अलावा जो फीस है, फीस आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये है और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी फीमेल के लिए 600 रुपीज़ है। और फी जो है फी आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में पेड कर सकते हो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। इसके अलावा और कोई भी मोड आप नहीं पेड कर सकते हो फीस को, डीडी नहीं बनवा के दे सकते, ऑनलाइन ही पेड करना है तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा आपको। एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा और एग्जामिनेशन पेपर इंग्लिश में होगा। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शन है वो 5 होंगे। सेक्शन 1 में आपका जनरल एबिलिटी और सेक्शन 2 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 1 आपका 30 नंबर का होगा, एक मतलब सिर्फ जनरल एबिलिटी। इसके अलावा सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 5 तक 50-50 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स आपके 230 होंगे और 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसके अलावा मार्किंग स्कीम में नो निगेटिव मार्किंग विल बी अप्लाइड फॉर सेक्शन 1। जो सेक्शन 1 है आपका जनरल एबिलिटी, यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखना। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में मार्किंग स्कीम जनरल एप्टीट्यूड में 30, फिजिक्स में 50, मैथमेटिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50 और बायोलॉजी में 50। तो इस तरह से आपके 230 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटा 30 मिनट का समय आपके पास होगा। एक बार शिफ्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि देख सकते हो 9 AM से शुरू होगा फर्स्ट सेशन और 12:30 को कंप्लीट होगा। सेकंड सेशन 2 PM से स्टार्ट होगा और 5:30 को कंप्लीट होगा। और आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले पहुँच जाना है। तो जैसा कि आपने देखा मैंने सारे एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको बता दी है, एग्जामिनेशन पैटर्न ये भी बता दिया। अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करेंगे। इससे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हो, जो भी कैंडिडेट्स क्लास 12th में है अपेयरिंग वो अप्लाई कर सकते हैं और जो पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कब तक आप पास आउट होने चाहिए। क्लास 12th में आपका मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये भी सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। अब जैसा कि देख सकते हो मिनिमम 60% आपको मार्क्स चाहिए क्लास 12th में, और जो एस सी एस टी कैटेगरी है उनके लिए 55%। और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए NEST मेरिट लिस्ट में भी आना होगा और डॉक्यूमेंट सब भी चाहिए होंगे। जो भी बच्चा क्लास 12th में अपेयरिंग है वो अप्लाई कर सकता है। साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। जिन्होंने क्लास 12th 2020 में पास किया है या फिर 2021 में पास किया है या फिर 2022 में अपेयरिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा 2019 वाला या फिर 2023 वाला अप्लाई नहीं कर सकता। 60% आपको मार्क्स चाहिए क्लास 12th में, और जो एस सी एस टी दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55%। और जिनका जन्म 1 अगस्त 2002 के बाद हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एस सी एस टी दिव्यांगजन के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। आप अप्लाई कैसे करोगे, तो ये देख सकते हो NEST exam.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, ऑफिशियल वेबसाइट NEST exam.in पे विजिट करना है। क्लिक ऑन लिंक अप्लाई ऑनलाइन लिंक ऑन NEST 2020 वेबसाइट टू रीच ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज। उसके बाद वहाँ पे कुछ डिटेल्स फिलअप करने हैं, नेम वैलिड ईमेल आईडी पासवर्ड ऑफ देयर चॉइस इन विंडो, वहाँ पे ये सारी चीज़ चूज करनी है। देन उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन रिसीव किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। देन उसके बाद आप लॉग इन करोगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। और देखो एप्लीकेशन प्रोसेस अलाउ मल्टी सेशन डाटा एंट्री, ज़्यादा डेटा मतलब दो दो बार डेटा एंट्री मत करना, इस बात का भी ध्यान रखना। और पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो। सेफ्टी रीजन के लिए आपको पासवर्ड देख सकते हो यहाँ पे, सेफ्टी रीजन के लिए कैंडिडेट अलाउड टू रिट्राइव द पासवर्ड ओनली ट्वाइस।
तो आपको दो बार मे बी पासवर्ड चेंज करने के लिए अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो वो भी चेंज कर सकते हो, या फिर पासवर्ड जो है वो आप ऐसा रखना जो कि आपको याद रहे। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप भूल जाते हो तो फॉरगेट भी कर सकते हो। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करें तो टोटल 115 एग्जामिनेशन सेंटर है। बिहार की बात करें तो पटना में एग्जामिनेशन सेंटर है। इसके अलावा जो इनका PDF है वहाँ पे सेंटर भी वहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं कि कौन कौन सा सेंटर आप फिलअप कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट चूज 5 सेंटर इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंसेस। 5 सेंटर आप चूज कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए, जो भी आपके घर के नज़दीक है, और जो टेस्ट वेन्यू है जो भी आपके घर के नज़दीक है वो चुन लेना, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है आंध्र प्रदेश, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बिहार में देख सकते हो पटना में है, छत्तीसगढ़ में भिलाई में है, रायपुर में है, और चंडीगढ़ में भी है। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं सारे में सेंटर अवेलेबल हैं, ये देख सकते हो। तो जो भी आपके नज़दीक है वहाँ पे आप देख लो, वेस्ट बंगाल में भी है। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसा कि देख सकते हो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है NEST, यहाँ पे विजिट कर सकते हो आप। सिंपली NEST exam.in। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 18 जून को का एग्जामिनेशन है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाउचर है वो चेक कर सकते हो, सिलेबस भी है ये देख सकते हो, ये इनका इन्फॉर्मेशन वाउचर है। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे सिंपली चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आपको सब्जेक्ट का सिलेबस चेक करना है वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो ईजी है, सिंपली आपको वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन वाउचर भी मिल जाएगा। जो भी अपडेट लेना चाहते हो यहाँ से आप इजीली ले सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ही, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @PallavaSuspense। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।